चलिए शुरू करते हैं आज की खबर। आज की खबर काफी रोचक है, अंत तक जरूर देखिएगा। 10 साल पहले की बात है, एक महिला अचानक से गायब हो गई थी। वो ना तो कोई बड़ी नेता थी और ना ही कोई बड़ी अधिकारी, एक नर्स थी वो। लेकिन उसका गायब होना इतना बड़ा मुद्दा बना कि जांच सीबीआई माने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंप दी गई। मामले की पड़ताल जब हुई तो राजस्थान की राजनीति में भूचाल आ गया। दो बड़े कांग्रेसी नेता का नए जो नेता थे वो नप गए। कुल 17 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, इनमें से इन दोनों नेताओं के करीबी लोग भी शामिल थे। अब तक आप समझ गए होंगे कि हम भंवरी देवी मर्डर केस की बात कर रहे हैं। ये केस एक बार फिर खबरों में है क्योंकि मंगलवार यानी 10 अगस्त को राजस्थान हाईकोर्ट ने 6 आरोपियों की जमानत दे दी। वहीं 2 हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक आरोपी की जमानत याचिका मंजूर की थी। आज हम आपको बताएंगे कि इन 7 आरोपियों को जमानत क्यों दी गई और आखिर भंवरी देवी के साथ 10 साल पहले क्या हुआ था। पूरे केस पर तसल्ली से बात की जाएगी और आप भी अंत तक जरूर देखिएगा। और चैनल पे अगर वीडियो पसंद आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब क्या हुआ पहले उस पर चर्चा करते हैं। पहले ताज़ा अपडेट पर बात करते हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 2 हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के एक आरोपी परशुराम बिश्नोई की जमानत मंजूर की थी। परशुराम के वकील महेश जेठमलानी ने तर्कों के से इस जमानत का आधार तैयार किया था। वकील ने तर्क दिया था कि इस फाइल होने के 4 साल बाद केस का ट्रायल शुरू हुआ था और परशुराम साल 2012 से जुडिशियल कस्टडी में है। आगे तर्क दिया गया कि परशुराम से जुड़े सभी सबूत कोर्ट द्वारा पूरे किए जा चुके हैं, इसलिए अब ऐसी कोई बात नहीं बचती जिसके चलते परशुराम को जमानत न दी जा सके। इसके बाद इस आरोपी को जमानत मिल गई। फिर 10 अगस्त को राजस्थान हाईकोर्ट ने भी 6 अन्य आरोपियों को जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इन 6 आरोपियों की जमानत का आधार बना। इनमें से एक के वकील संजय बिश्नोई ने हाईकोर्ट में तर्क दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार मानते हुए हम ये आर्ग्यू करते हैं कि इस लोगों को 9 साल जुडिशियल कस्टडी में पूरे कर लिए गए हैं, जबकि इस केस के ट्रायल के नतीजों के बारे में अभी कुछ भी पता नहीं है। इसके बाद जस्टिस दिनेश मेहता ने 6 आरोपियों को बेल ग्रांट कर दी। वही केस के मुख्य आरोपी महिपाल मदेरना की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 23 अगस्त की तारीख तय की। मदेरना 10 साल पहले राजस्थान की कांग्रेस सरकार में मंत्री थे। जल संसाधन मंत्रालय की जिम्मेदारी उनके हाथ में थी। इस वक्त ट्रीटमेंट के चलते अंतरिम बेल पर बाहर है। वही कांग्रेस के पूर्व सांसद मलखान सिंह बिश्नोई समेत उनकी बहन इंदिरा बिश्नोई, बेसन राम बिश्नोई, कैलाश जाखर, शहाबुद्दीन भंवरी देवी का पति अमरचंद समेत 2 अन्य लोग जुडिशियल कस्टडी में ही हैं। भंवरी देवी और महिपाल मदेरना कैसे पहुंचे हाई प्रोफाइल लोग सलाखों के पीछे। अब बताते हैं कि इतने हाई प्रोफाइल लोग सलाखों के पीछे कैसे पहुंचे। जितनी भी मीडिया रिपोर्ट्स हमने पढ़ी उनके मुताबिक 36 साल की भंवरी देवी राजस्थान के जोधपुर में रहती थी। और वहीं हम अगर बात करें माने नर्स थी, बिलाड़ा के जालीवाड़ा गांव के सब सेंटर में काम करती थी। उनकी महिपाल मदेरना और मलखान सिंह बिश्नोई से करीबी जान पहचान थी। सवाल उठता है कि इन दोनों से भंवरी की मुलाकात कैसे हुई। बताते हैं, भंवरी देवी जालीवाड़ा के पहले पैनल कस्बे के एक अस्पताल में काम करती थी, लेकिन वहां शिकायत की गई कि वह नौकरी से ज़्यादातर समय गायब रहती है। इसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। बस यहीं से भंवरी देवी की जिंदगी ने लिया यूटर्न। नौकरी वापस पाने के लिए भंवरी गई मलखान सिंह के पास। वो लूनी विधानसभा सीट से विधायक थे। मलखान उन्हें लेकर गए महिपाल मदेरना के पास जो तब जल संसाधन मंत्री थे। दोनों नेताओं की सिफारिश पर कलेक्टर ने भंवरी को दोबारा नौकरी पर रखने का आदेश दिया। उन्हें जोधपुर जिले के जालीवाड़ा के सब सेंटर में नर्स की नौकरी दी गई। कहा जाता है कि दोनों नेताओं के मुलाकातों के बाद भंवरी देवी की जिंदगी बदल गई। नामी लोगों के साथ जान पहचान बढ़ गई, पैसा आ गया। लेकिन 1 सितंबर को वो अचानक गायब हो गई। उनके पति अमरचंद ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शंका जताई कि महिपाल मदेरना ने उसकी पत्नी का किडनैप किया है, साथ ही हत्या की भी आशंका जताई। तब तक भंवरी देवी का
नाम एक कथित सेक्स सीडीज मामले में सामने आ चुका था। ये रिपोर्ट्स आई थी कि भौरी देवी के पास एक सेक्स सीडी थी जिसमें महिपाल मदेरना उनके साथ दिख रहे थे। ये सीडी सर्कुलेट भी हुई थी। मामला चूंकि काफ़ी हाई प्रोफाइल था इसलिए उसकी जांच सौंपी गई सीबीआई को। अब बात करते हैं मलखान सिंह बिश्नोई। सीबीआई ने क्या पाया? सीबीआई ने दिसंबर 2011 में पहली चार्जशीट दाखिल की जिसमें महिपाल मदेरना का नाम शामिल था। ये चार्जशीट राजस्थान हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी। मदेरना के अलावा शहाबुद्दीन, सोहनलाल और बलिया नाम के व्यक्तियों का नाम भी चार्जशीट में था। सीबीआई ने पहली चार्जशीट दायर करने के पहले कई सारे टेप्स और ऑडियो क्लिप्स छान मारे थे ये पता लगाने के लिए कि क्या भौरी देवी ने मदेरना को ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी या नहीं। नवंबर 2011 में मदेरना से पूछताछ भी की थी सीबीआई ने। एनडीटीवी के एक रिपोर्ट की माने तो मदेरना ने भौरी देवी के साथ रिलेशन होने की बात स्वीकार भी की थी। ये भी जान लीजिए कि तब राज्य में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, उन्हीं के कैबिनेट मंत्री का नाम सीडी केस में और कथित किडनैपिंग मर्डर केस में सामने आने के बाद गहलोत ने मदेरना को अक्टूबर 2011 में ही मंत्री पद से हटा दिया था। चार्जशीट फाइल करने के बाद दिसंबर में ही सीबीआई ने मदेरना को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद अमरचंद की भी गिरफ्तारी हो गई क्योंकि अमरचंद ने मामले की जाँच के दौरान अलग अलग बयान दिए थे। उसके ऊपर भी मर्डर और हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप लगे। दूसरी चार्जशीट फाइल की गई फरवरी 2012। इसमें सीबीआई ने मदेरना समेत मलखान सिंह को मुख्य आरोपी बनाया। भौरी देवी अपहरण और हत्या मामले में तब तक मलखान की भी गिरफ्तारी हो चुकी थी। दोनों के ऊपर आईपीसी की सेक्शन 302 यानी हत्या, 102 यानी आपराधिक साजिश, 364 यानी किडनैपिंग समेत और भी कई धाराओं का केस दर्ज हुए। इसके अलावा 8 अन्य आरोपियों के नाम भी इस चार्जशीट में थे। इसी में था अमरचंद का नाम। तब तक हुई जांच में यह बात सामने आ चुकी थी कि 1 सितंबर को भौरी देवी वाकई किडनैप हुई थी। उनकी हत्या करके उनके शव को जलाया गया और शव के बचे हुए हिस्से को राजीव गांधी कैनाल में बहा दिया गया था। मदेरना और मलखान के पास सोहनलाल ने शहाबुद्दीन नाम के गुंडे के साथ मिलकर उनका कत्ल किया था। सीबीआई को नहर से भौरी देवी की हड्डियां घटना के 4 महीने बाद मिली थी जिन्हें जांच के लिए अमेरिका जांच एजेंसी एफबीआई को दिया गया था। इसके बाद फाइल हुई तीसरी चार्जशीट और इसके साथ ही 17 आरोपियों के नाम तय हो गए थे। अब तक 16 की गिरफ्तारी हो चुकी थी। केवल मलखान की बहन इंदिरा बिश्नोई फरार थी। तब तक हुई जांच में से सामने आया था कि भौरी देवी का मदेरना और मलखान दोनों के साथ संबंध थे। वो दोनों को ब्लैकमेल कर रही थी। मदेरना से सेक्स सीडी वायरल करने के नाम पर 50 लाख रुपए मांग रही थी तो मलखान के ऊपर से प्रेशर डाल रही थी कि वो पब्लिकली ये एक्सेप्ट करे कि भौरी देवी की सबसे छोटी बेटी के पिता वो है। इसके अलावा मलखान के साथ भी इसी तरह की सीडी भौरी देवी के पास थी। इस चार्जशीट के साथ ये साफ हो गया था कि 1 सितंबर को भौरी के साथ क्या हुआ था। सीबीआई की तीसरी चार्जशीट के मुताबिक मलखान सिंह का एक रिश्तेदार था सोहनलाल। 1 सितंबर 2011 के दिन भौरी देवी की मुलाकात इसी रिश्तेदार से बिलाड़ा में हुई थी। वो अपनी कार की पेमेंट कलेक्ट करने के लिए सोहनलाल से मिली थी। इधर सोहनलाल का बेटा पुखराज बिश्नोई ने अपने पिता के मोबाइल से अपना सिम कार्ड बदल दिया था इस मकसद से कि अगर भविष्य में पुलिस जांच करे तो सिम कार्ड की लोकेशन से ये साबित हो जाए कि 1 सितंबर को सोहनलाल बिलाड़ा में था ही नहीं। इधर अमरचंद को भी पैसे दिए गए थे कि वो कार की पेमेंट लेने भौरी के साथ न जाएं और जाकर लापता होने की शिकायत दर्ज कराएं। इधर कार का पैसा लेने गई भौरी देवी फिर कभी नहीं लौटी। भौरी देवी 22 यानी भौरी देवी मामले में कुल 17 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी और क्या बात सामने आई। टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि भौरी देवी की किडनैपिंग और हत्या की साजिश मलखान और मदेरना ने मिलकर रची थी। मदेरना के साथ सेक्स टेप बनाने में भौरी का साथ दिया था इंदिरा बिश्नोई ने। इंदिरा का मकसद था कि वो मदेरना का सेक्स टेप बनाकर उसे डिफेम कर कैबिनेट से हटवा देगी ताकि उसके भाई मलखान को कैबिनेट में जगह मिल जाए। यानी भौरी देवी की तथाकथित हत्या के पीछे अगर मदेरना का हाथ है तो उसका मोटिव तो क्लियर हो गया।
वहीं अगर मलखान बिश्नोई की बात करें तो जैसा कि पहले बताया कि भंवरी देवी ये प्रेशर बना रही थी कि मलखान पब्लिकली ये स्वीकार करे कि जो भंवरी की छोटी बेटी का पिता है वो वही है। भंवरी देवी चाहती थी कि मलखान उनसे ये वादा करे कि वो छोटी बेटी की शादी खुद करवाए और 20 किलो सोना दे और 50 लाख रुपए खर्च करे, यानी मलखान का मोटिव भी साफ हो गया। सीबीआई ने ये सारी बातें अपनी चार्जशीट में कही है। हालांकि ये सारा मैटर अभी कोर्ट में है। इंदिरा को छोड़कर सभी की गिरफ्तारियां 2011 और 2012 में हो गई थी, जबकि इंदिरा 2017 में मध्य प्रदेश से गिरफ्तार की गई थी। वो फरार चल रही थी और अब 17 में से भी कई आरोपी जमानत पर बाहर आ चुके हैं। 10 साल से ये मामला कोर्ट में अटका हुआ है, कोई फैसला नहीं सुनाया गया। हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में कोर्ट जल्द फैसला सुनाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। एक महिला की मौत हो चुकी है, उसके आरोपी धीरे धीरे जेल से बाहर आ रहे हैं। ऐसा ना हो कि इंसाफ में ज़्यादा देर हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये खबर, ये कहानी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।